तो दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज खेला जाना है मोहाली के मैदान पे। शाम को 7 बजे ये मुकाबला शुरू होगा और इसी के कड़ी में आज मैं बताने वाला हूँ कि वहाँ का वेदर रिपोर्ट क्या कहता है, वहाँ का वेदर क्या कहता है, कितना परसेंट चांस है बारिश होने का और क्या आज मौसम रात को क्लियर रहेगा फिलहाल मैच के टाइम। तो दोस्तों पूरा डिटेल एनालिटिक वीडियो है, लास्ट तक एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें धर्मशाला के मैदान पर, पिछला मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका था, जिसके कारण लगातार ये कयासें लगाई जा रही हैं कि मोहाली पर बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के हम वेदर फोरकास्ट की अगर बात करें तो उन्होंने ये जताया है कि अगले 3 दिन तक बारिश हो सकती है। फिलहाल ऐसा क्यों जताया, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार वहां पे बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण वहां पे गर्मी बढ़ती जा रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये पूरा चांस है कि बारिश होने की अगले 3 दिन तक संभावना है, जिसमें आज कल और परसों यानी 3 दिन तक बारिश हो सकती है। और अगर अभी की बात करें मोहाली की, तो अभी में फिलहाल में अगर बात करें तो 53% चांस है वहां पर बारिश होने की, यानी मोहाली में अभी 53% चांस है बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करें फिलहाल शाम को, तो शाम को 19% चांस है बारिश होने का, जब मैच स्टार्ट होगा तो 19% चांस रहेगा बारिश होने का। और वहाँ पे अगर हम बात करें टेम्परेचर कितना रहेगा, तो 23 डिग्री सेल्सियस वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर रहने वाला है और हेजी कंडीशन रहने वाला है, जिसका ये मतलब है कि शाम को वहाँ पर बारिश होने का उतना साया नहीं है, लेकिन फिलहाल में बहुत अभी 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 इस समय बहुत चांस है बारिश होने का। और अगर यही चांस बना रहता है तो ये हो सकता है कि अगले 1-2 घंटे बारिश हो जाए, उसके बाद ये हो सकता है कि वहाँ बारिश बंद हो जाए और उसके बाद हमें पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चांस बहुत कम है दोस्तों बारिश होने का, लेकिन अभी भी चांस है। और लेकिन अगर अभी बारिश हो जाती है तो वहाँ पे वहाँ की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत मददगार हो जाएगी, जिसमें इंडियन फास्ट बॉलर उसमें अच्छा खासा हाथ दिखा सकते हैं, वो नवदीप सैनी हो जाएँ या फिर दीपक चाहर हो जाएँ। इन दोनों के शुरू में बॉल बहुत तेज़ लहराएगी और अंदर स्विंग भी होगी, जिसका ये मतलब है कि अच्छा सूचना हो सकती है टीम इंडिया के लिए। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर और मौसम को लेके, तो फिलहाल में इतना चांस नहीं है बारिश होने का, यहाँ पर मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, अगली न्यूज़ हम आपको जल्दी देने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो ख़त्म करते हैं, अब आपको हम मिलेंगे अगले एनालिसिस।